हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू न्यू आरा कलेक्शन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा कलेक्शन है बहुत यूनिक है और ये इस टाइप का कलेक्शन काफ़ी पहले हमारे पास आया था बट दोबारा से रिपीट हुआ है, जो कि आपके सामने रखा है मारिया बी का सिल्क कलेक्शन। अब देखिए, सिल्क के नाम से आप लोग कुछ लोग मतलब कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं उनको बता दूं, ये जो हमारे पास डिज़ाइंस हैं ये हमारे पास श्री फैब्स के डिज़ाइंस हैं, जो कि एक इंडियन ब्रांड है। ये जो आपको डिज़ाइन सारे मिलेंगे, इनका जो डिज़ाइनिंग है, जो मतलब एक जो प्रिंट का है कॉन्सेप्ट या जो भी है, वो सारा पाकिस्तानी है बट ये सारे इंडियन मेड हैं। और जो मैं आपको सिल्क का कलेक्शन बता रही हूँ, तो मैं फैब्रिक आपको पास से दिखा दूँगी। जो ओरिजिनल सिल्क होता है, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ये वो वाली चीज़ नहीं है, बट जब आप ये पहनेंगे तो बिल्कुल सिल्क का लुक ही देगा, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूँ, ये कोई डेली वेयर पर्पज़ के हिसाब से नहीं है, ये पार्टी वेयर या फिर नॉर्मल जो मतलब गेट टुगेदर्स होती हैं या फिर छोटे मोटे जो फंक्शंस टाइप के होते हैं उनके लिए ये चीज़ है। तो मैं आपको पूरा करीब से दिखा देती हूँ। वैसे पहले जब हमने इसकी अपलोड करा था और उस पर डिमांड बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी उसकी, और उस पर रिव्यूज़ वगैरह भी सारे हमें बहुत अच्छे मिले थे, तो आप लोग ये लेकर देखिए। इसका फैब्रिक वगैरह बहुत बहुत अच्छा है और मैं आपको करीब से एक बार दिखवा देती हूँ, क्योंकि ये लॉन नहीं है तो इसलिए आपको पूरा डिटेल में बताना ज़रूरी है। और आप लोग पूरी प्लीज़ वीडियो देखिएगा, क्योंकि हम लोग एक एक चीज़ कोशिश करते हैं कि एक्सप्लेन कर दें वीडियो में ही, ठीक है। तो आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई आप धोखे में ऑर्डर नहीं करेंगे। तो ये जो मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ, उसका फैब्रिक आप चेक करिए, ये थोड़ा सा हैवी है मटेरियल, ठीक है। और इस टाइप का इसका टेक्सचर है, अंदर से कुछ इस टाइप का ये आपको मिलेगा, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, प्लस इसे आप विंटर्स में भी पहन सकते हैं, समर्स में भी पहन सकते हैं, तो दोनों सीज़न में आपका बहुत परफेक्टली चल जाएगा। और इसके ऊपर जितना भी आप देख रहे हो ना, ये पूरा डिजिटल प्रिंट आपको मिलेगा और इसमें थोड़ी थोड़ी शाइनिंग आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये फैब्रिक पे शाइनिंग है, डिजिटल प्रिंट है और डिज़ाइनिंग फैब्रिक वगैरह सब बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और ये साइड में इसकी स्लीव्स हैं, आप देख सकते हैं स्लीव्स पे, जितना भी आप देख रहे हो ये पूरा स्लीव्स के लिए फैब्रिक है, वो वाइट लाइन से कटिंग होगी और इसमें 5XL तक इजीली बन जाएगा दोनों तरफ, फ्रंट साइड में बैक साइड में आपको प्रिंट लगभग सेम मिलेगा। ये वाला आप देख रहे हैं तो ये वाला पार्ट आप नेक लाइन पे ले सकते हैं, जो ये प्रिंट आ रहा है ना, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर बैक साइड आप बनाना चाहें तो बैक साइड भी आप इसको बना सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये साइड में, उसमें भी स्लीव्स दी हुई हैं, तो 5XL तक इसमें पूरा बहुत अच्छे से बन जाएगा। ये सेम कलर में, ये जो शेड ना है बहुत डार्क सा वाइन टाइप का कलर है, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे, ये इसका लॉन हल्का सा लॉन टाइप का मिक्स में ये फैब्रिक है, क्योंकि ये सिल्क, क्योंकि जो इसके साथ में दिया हुआ है, अब इसको अगर प्योर लॉन दे देंगे या प्योर कॉटन दे देंगे तो वो चीज़ नहीं आ पाएगी कॉम्बिनेशन में। तो वो जो इसका जो टेक्सचर है वो हल्का सा मिक्स्ड टाइप का टेक्सचर है, लेकिन अच्छा है, कम्फर्टेबल है। और मैं एक बात और बता दूं, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तब भी आप इस फैब्रिक को पहन सकते हैं। ये वैसे वाला फैब्रिक नहीं है कि बहुत मिक्स टाइप का है, जो आपको कुछ भी स्किन पे सेंसिटिव जो है लगेगा, तो वैसे वाली चीज़ नहीं है। अब ये जो आपको दिखाया जा रहा है, ये पैच जो है वो नेक लाइन के लिए है, ठीक है। और एक दूसरा पैच हमारे पास है जो कि स्मॉल लेस टाइप का है, जिसको आप स्लीव्स पे लगवा सकते हैं या दामन वगैरह पे, जहाँ पे भी आपकी मर्जी हो आप वैसे इसको लगवा सकते हैं। और अब इसमें दुपट्टा आपको दिखाया जा रहा है, तो दुपट्टा भी जो है इसमें आपका ये हल्का सा टैवी सिल्क टाइप का दुपट्टा है, ठीक है। तो इसमें आप पूरा देखोगे डिजिटल प्रिंट है। अच्छा, ये वाले जो हमारे पास डिज़ाइन आए हैं, ये सिल्क का कलेक्शन करके ही आया है, सिल्क कलेक्शन। तो इसमें दुपट्टे में कोई ऑप्शन वगैरह नहीं है, जो दुपट्टा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है वही सेम टेक्सचर इसमें आपको मिलेगा। अब देखिए, कैटलॉग पिक्चर देख के काफ़ी लोग कंफ्यूज जाएंगे कि ये कैसा है, तो कुछ और दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है। तो इसमें जो देखिए, इसमें जो बनाया गया है ना, वो काफ्तान लुक बनाया गया है। और ये जो आप एक्स्ट्रा जो ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें लेस लगी हुई है, ये एक्स्ट्रा लेस है पूरी, आप देख सकते हो यहाँ से कनेक्शन है इसका, तो यहाँ से कनेक्ट होकर पूरी लेस लगाई गई है फैब्रिक पे, तब उसका काफ्तान लुक उसमें दिया गया है। ये पैच आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, जो मैंने आपको बताया था लेस टाइप का पैच है, तो उस टाइप का, और अंदर कुछ टॉप टाइप का इसमें पहना हुआ है, तो वो चीज़ अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो फोटोशूट्स होते हैं, ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए फैब्रिक को बनाए जाते हैं, वरना ये जो आपको दिया गया है ये सूट स्टाइल के लिए ही दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा डिज़ाइन नंबर फर्स्ट मैंने आपको दिखा दिया है। अब हम लोग दिखाते हैं आपको सेकंड डिज़ाइन। तो कॉन्सेप्ट तो आप लोग समझ ही गए होंगे, और बहुत ही डिफरेंट पैटर्न है, बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग लॉन का ही पहन रहे हैं अभी तक, या फिर आपने लिया है, तो आप लोग सिल्क का अगर आपने नहीं पहना है अभी तक, तो आप लोग इस टाइप का ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए। आपको मेरी तरफ से थोड़ा सा गारंटी आप मान लो
कि आपको बहुत पसंद आने वाला है ये पीस। तो अब आप ये देखेंगे, ये हमारा जो नेक्स्ट कलर है इसमें ये जो है हल्का सा लाइक ऑलिव ग्रीन टाइप का शेड है। वीडियो में मैं आपको बता दूं, वीडियो में ये ब्राउन लग रहा है, पूरे तरीके से ब्राउन लग रहा है, बट ये जो है इसका ग्रीन कलर है। अब मैं आपको समझ नहीं आ रहा मैं कैसे दिखाऊं, ग्रीन कलर है इसका, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये पूरा इस टाइप से इसमें आ जाएगा, इसमें शाइनिंग भी है पूरा, ये डिजिटल प्रिंट हो जाएगा। और एक बात मैं इसमें आपको और बता दूं, फिर बाद में आप लोग मुझसे जो है शिकायत करेंगे, इसमें ये बर्ड्स बनी हुई हैं बट इसमें आईज़ वगैरह वैसी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग आईज़ वाला नहीं पहनते हैं, इसमें नमाज नहीं होती है। तो मैं उसके लिए आपको दिखा रही हूँ इस टाइप से कहीं कहीं पे ना बर्ड बनी हुई है, ठीक है। तो उसमें जब आप लोग ये लेंगे तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये फंक्शन के हिसाब से है, डेली वेयर घर में पहनने के हिसाब से नहीं है। तो अगर आप कहीं भी 2 से 3 घंटे के लिए पहन रहे हैं तो उसमें ये चीज़ चल जाएगी, ठीक है। हम लोग लेते इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें नमाज नहीं होती है। तो अगर जहाँ पे आपको नमाज नहीं पढ़नी हो, आप वहाँ पे पहनना चाहें तो उसको आप बेझिझक पहन सकते हैं। और ये मैं अब आपको दिखा रही हूँ, इसमें दूसरे साइड का प्रिंट है। तो ये मैं दोबारा से बात रिपीट कर रही हूँ, इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर है ये, लेकिन आपको वीडियो में इस वक्त ब्राउन नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसका ट्राउज़र का मटेरियल देख लेते हैं। तो ये ट्राउज़र का फैब्रिक है, आप देख सकते हो इस टाइप का, ये ग्रीन से हल्के से इसमें कलर में कॉम्बिनेशन में है। वैसे तो देखिए इसमें, इस वाले डिज़ाइन में ये ट्राउज़र का कलर और शर्ट का कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, ठीक है, बट इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तो कॉम्बिनेशन में उस टाइप से दिया हुआ है। और अब पैचेस वगैरह देख लेते हैं इसके। तो ये हमारा इसका फर्स्ट पैच है, ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट पैच है इसका, ठीक है। और सारे पैचेस में रेशम का काम आपको मिलेगा। और ये इसमें टोटल 3 पैचेस दिए हैं, तो ये 2 इस टाइप के दिए हुए हैं बॉर्डर्स के लिए और एक ये आपका नेक लाइन के लिए, या फिर जैसे भी आप दामन वगैरह पे लगाना चाहें वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ टैबी सिल्क में दुपट्टा इसका। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है दुपट्टे में, ओनली टैबी सिल्क दुपट्टा है, लेकिन ये दुपट्टा जो है हल्का सा आपका, मतलब ऐसा समझ लो खड़ा खड़ा शिफॉन टाइप का, तो उसमें ये आपका सर पे रुक जाएगा, ठीक है। बाकी अगर ये है कि आप थोड़ा सा पिनअप वगैरह करना चाहें तो शोल्डर वगैरह पे, वैसे सब तरीके से ये सेट हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड डिज़ाइन है, मैंने आपको दिखा दिया पूरा। और अब दिखाते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन। तो नेक्स्ट डिज़ाइन जो हमारा होने वाला है वो है ब्लैक कलर में, और पूरा जेट ब्लैक टाइप का शेड नहीं है, हल्का सा डल ब्लैक टाइप का कलर है इसका। ये कैटलॉग पिक्चर इसकी, और अब मैं आपको पूरा डिज़ाइन दिखा देते हैं इसका। तो ये वाला जो कलर है ना, ये पूरा प्रॉपर वैसे वाला ब्लैक नहीं है, हल्का सा आपको डल ब्लैक वाला लुक आ रहा है। वैसे तो उसमें शाइनिंग वगैरह हर चीज़ है, डिजिटल प्रिंट है, प्रिंट बहुत प्यारा है इस वाले डिज़ाइन का। आपको खोल कर दिखाते हैं, देखिए से सीधा नहीं है, उसमें बॉर्डर आ रहा है भाई। तो ये इसका स्टार्टिंग करते हैं, ये वाला पूरा बैक साइड पर प्रिंट आ जाएगा क्योंकि हैवी प्रिंट है इसमें। तो ये आप देखोगे ये पूरा हैवी प्रिंट है इसमें, और डिजिटल प्रिंट है, और इसका ही पूरा नीचे दामन पे आपका ये स्ट्राइप्स आ जाएगा, ठीक है। साइड में ये स्लीव्स के लिए आपको प्रिंट मिल जाएगा, तो ये स्लीव्स पे आप देख सकते हैं। देखिए जो मैंने आपको वो बर्ड जो प्रिंट बताया है ना, वो एक या दो डिज़ाइन में ही है, सारे डिज़ाइन में नहीं है, जिसमें होगा मैं आपको बता दूँगी अलग से। और ये अब इधर से आपको इस टाइप से इसमें थोड़ा सा बीच में बॉर्डर दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से कन्फ्यूजन, हाँ इधर से सीधा लग रहा है ये इसका। ये अच्छा देखिए, इसमें दोनों साइड पे काफ़ी हैवी प्रिंट है, मतलब फ्रंट साइड पे भी हैवी प्रिंट दिया है, बैक साइड पे भी हैवी प्रिंट दिया है, तो उसके हिसाब से। और बीच में ना इसमें बॉर्डर्स दिए हुए हैं, तो ये जो ये वाला फर्स्ट बॉर्डर मैंने आपको दिखाया था, ये आप दामन पर लगवा सकते हैं, ठीक है, वो पूरा फैब्रिक आपके साथ में जाएगा। और यहाँ पर इस टाइप से आई थिंक बीच में भी बॉर्डर है, नहीं बीच में नहीं है, तो ये इस टाइप से रख जाएगा, ठीक है। ये बैक साइड थी, यहाँ पे ये बॉर्डर था, बीच में ये कटिंग होगी वाइट लाइन से, फिर उसके नीचे से ये इसका फ्रंट साइड स्टार्ट हो रहा है। तो ये साइड से कुछ रनिंग में फैब्रिक दिया हुआ है इसका, इसलिए थोड़ा सा समझने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी। वो साइड में आपका स्लीव्स के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसमें आपका 5XL तक बहुत कम्फर्टेबली निकल जाएगा। और ये इसका ब्लैक कलर में ट्राउज़र है, ठीक है। और अब इसके पैचेस देख लेते हैं। इस ये वाला तो देखिए पैच है ना इसका, ये नेक लाइन के लिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी नेक लाइन पर डिजिटल प्रिंट दोनों तरफ दिया हुआ है। तो ये जो इसका है, ये कुछ इस टाइप का बॉर्डर टाइप का दिया हुआ है, जिसमें आपका रेशम के काम के साथ साथ इसमें जरी का काम भी है पैच में इस वाले डिज़ाइन के, और सीक्वेंस वर्क भी इसमें थोड़ा थोड़ा सा दिया हुआ है। और अब मैं देख लेते हैं इसका टैबी सिल्क में दुपट्टा। तो दुपट्टा आप देखोगे इस वाले डिज़ाइन का दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है, पूरा डिजिटल प्रिंट है इस पर और बहुत फाइन बहुत बारीक प्रिंट है। तो ये पूरा दुपट्टा इसका है, जब आप खोल कर ओढ़ेंगे ना तो ये बहुत ही प्रिटी लगेगा। तो अब इसकी कैटलॉग पिक्चर देख लेते हैं और अब चलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन पे। नेक्स्ट डिज़ाइन जो हमारा होने वाला है वो है हमारे पास पर्पल शेड, लाइट सा पर्पल कलर। तो ये वाला हमारा अब थर्ड लास्ट पीस है वीडियो का, इसको भी खोल कर देख लेते हैं।
तो ये वाला जो हमारे पास पीस है ये बहुत ही लाइट सा पर्पल टाइप का शेड है और इसमें जो कॉम्बिनेशन है साथ में फ्लोरल प्रिंट है, सारे डिज़ाइंस में आपने देखा ही है फ्लोरल प्रिंट दिया हुआ है, तो इस टाइप का इसमें रहेगा। डिजिटल प्रिंट है, कलरफुल प्रिंट है इसके ऊपर पूरा, आप देख सकते हैं कि दामन पर पूरा प्रिंट हो जाएगा। साइड में इसमें ये स्लीव्स का प्रिंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आप पूरा देख सकते हो स्लीव्स के लिए है। और बैक साइड देख लेते हैं अब इसकी, तो ये हो जाएगी अब इसकी बैक साइड, ये पूरा बैक साइड का प्रिंट आ जाएगा इस पर, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं पूरा बैक साइड का प्रिंट है इस टाइप से, सेम है वैसे तो नीचे की तरफ से, ये साइड में स्लीव्स हैं इसकी, ये इसका लाइट कलर में बहुत ही लाइट सा पर्पल शेड में आपको ये ट्राउज़र का फैब्रिक दिया हुआ है इसमें। और अब देख लेते हैं पैचेस, तो पैच इसमें ज़्यादा नहीं है, पैच इसमें एक ही दिया हुआ है नेक लाइन के लिए, तो ये आप देखोगे इसमें ये पैच है, इसमें ओनली रेशम का काम दिया हुआ है नेक लाइन के लिए है सिर्फ। और अब दुपट्टा देख लेते हैं, दुपट्टा टैबी सिल्क में दिया हुआ है और ये प्रिंट से मैचिंग का इसका दुपट्टा हो रहा है, ठीक है, जो आप बॉर्डर्स में आपने देखा होगा ना डार्क पर्पल कलर है उसी कॉम्बिनेशन में इसका दुपट्टा दिया हुआ है, तो ये टैबी सिल्क में दुपट्टा हमने आपको दिखा दिया है। अब दिखाते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन, नेक्स्ट डिज़ाइन हमारा होने वाला है डार्क ब्राउन कलर में, बहुत ज़्यादा डार्क सा ब्राउन एकदम शेड है, वैसे तो आप इसको ब्लैक भी कह सकते हैं बट सामने से देखने में जो एकदम से है वो बहुत डार्क ब्राउन है। एक्चुअली देखिए इसमें क्या है कि ये सिल्क जो मैंने आपको बताया ना इसमें शाइनिंग है जिसकी वजह से थोड़ा सा डिज़ाइन वीडियो में जो कलर है, डिज़ाइन नहीं सॉरी कलर, वो हल्का हल्का सा चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से मैं जो आपको बता रही हूँ आप उस पर मेन फोकस करिएगा क्योंकि मैं सामने से देख रही हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। इस वाले पीस का जो कलर है वो एकदम डार्क ब्राउन, जो बिल्कुल ब्लैक के सिमिलर लगता है, इस टाइप का डार्क ब्राउन शेड है पूरा। ये प्रिंट है इसके ऊपर, डिजिटल प्रिंट है, इस वाइट लाइन के इधर वाली आपका स्लीव्स का फैब्रिक आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये इसका ट्राउज़र का मटेरियल है सेम कलर में आपको दिया हुआ है। और ये इसकी फ्रंट साइड है, अब इस देखिए इस वाली साइड को आप फ्रंट बनाएं बैक साइड बनाएं वो आपकी अपनी मर्जी है, कैटलॉग पिक्चर्स आ जाएगी उसमें आप देख सकते हैं और फिर बनवा सकते हैं। तो ये एक साइड का प्रिंट है और ये साइड में स्लीव्स हैं। अब देख लेते हैं इसमें पैच, तो पैच इसमें दिया है आई थिंक नेक लाइन के लिए, हाँ, तो इसमें देखिए एक तो ये बहुत ही खूबसूरत सा पैच दिया है नेक लाइन के लिए और एक ये दूसरा पैच है जो कि आप बॉर्डर पे या स्लीव्स के बॉर्डर पे लगा सकते हैं। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ टैबी सिल्क में इसका दुपट्टा, तो ये हो जाएगा टैबी सिल्क में इसका दुपट्टा पूरा, आप देख सकते हो प्रिंट वगैरह काफ़ी खूबसूरत है और ये इस टाइप का इसमें दुपट्टे में पैटर्न है। वैसे तो सारे ही डिज़ाइन का पैटर्न डिफरेंट है, कोई भी सिमिलर नहीं है एक दूसरे से, तो सबका डिज़ाइनिंग सबका उसका लुक वाइज अलग है सारे के सारे। तो ये हमारा डिज़ाइन सेकंड लास्ट आपको दिखा दिया है, अब लास्ट पीस एक रह गया है वो भी बहुत प्यारा सा पीस है, वो भी जल्दी से आपको दिखाते हैं, फिर आपको जो भी पसंद आया उसका स्क्रीन शॉट लेके आप हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। ये लास्ट पीस है हमारा ग्रीन कलर में और ये भी बहुत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन इसका होने वाला है, ये देख लीजिए ये ग्रीन कलर में पीस है हमारे पास, इसमें कुछ आई थिंक हाँ इसमें देखिए अब मैं आपको बता दूँ, अब ये जो डबल शेड में जो ये पीसेस आते हैं ना हमारे पास, काफ़ी बार इसको आप लोग डिफेक्ट समझते हो या कुछ भी समझते हैं बट इसका जो पैटर्न है जो डिज़ाइनिंग है वो ही इस टाइप की है। आप देखेंगे ऊपर की तरफ ग्रीन कलर है, बीच में हल्का सा वो चीज़ लाइट हो रही है कलर में, ठीक है, यही सेम चीज़ इसके स्लीव्स में दी हुई है और यही इस फ्रंट में बैक साइड में यही सेम डिज़ाइनिंग है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे दामन पे तो वो चीज़ दोबारा से ग्रीन कलर इसमें आ रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ डिज़ाइनिंग में है इसके, पूरा डिजिटल प्रिंट है। साइड में इसमें ये स्लीव्स है, स्लीव्स आप देख सकते हैं ये स्लीव्स दी हुई हैं इसमें, ठीक है, और ये इसका लाइट कलर में जो आप देख रहे हो ना बीच में लाइट कलर आ रहा है उस लाइट कलर में इसका ये ट्राउज़र का मटेरियल दिया हुआ है जो क्रीम टाइप का कलर है, हल्का सा क्रीम शेड है और ये सेम टू सेम इसमें दिया हुआ है दूसरे साइड पे। अब देखिए इसमें ना हल्की हल्की सी बटरफ्लाइज बनी है बट बटरफ्लाइज में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ये आप देख सकते हो इस टाइप की बटरफ्लाइज बनी हुई है, बाकी वो सेम प्रिंट है फ्रंट साइड के जैसा ही, मतलब फ्रंट साइड में बैक साइड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिया है। तो ये हमारा हो गया शर्ट वाला, अब इसका हम लोग देख लेते हैं पैच, तो इसमें हमें एक तो ये पैच दिया है नेक लाइन के लिए, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा पैच है, काफ़ी बड़ा सा है, और एक ये बॉर्डर के लिए दिया हुआ है। अब जल्दी से दुपट्टा देख लेते हैं इसका, दुपट्टा हमें टैबी सिल्क में दिया है जो कि पूरा डिजिटल प्रिंट के साथ है, आप देख सकते हो, ठीक है, और ये बहुत ईजिली रुक जाएगा सर पर, ठीक है, मतलब आपको हो सकता है बाबा को थोड़ा सा संभालना पड़े लेकिन रुक जाएगा वो। और आप ये हमारा लास्ट पीस मैंने आपको दिखा दिया है और अब जो भी आपको इसमें पसंद आया हो उसका स्क्रीन शॉट लेके आप हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए,
तो जैसे कि हम आपका ऑर्डर फाइनल कर दें, व्हाट्सएप पर ही हम लोग ऑर्डर्स लेते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के टाइटल में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में हमने सारी डिटेल्स मेंशन कर दी हैं और प्राइसेस भी आपको वीडियो के टाइटल में एंड डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।